हेलो दोस्तों, मैं आरक्षक प्रिंस देवलिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फोर्स में पुलिस हुई, आर्मी हुई, बीएसएफ हुई, सीआरपीएफ हुई, इनमें जो टैटू होता है, गुदना होता है, जो अपन हाथ पे अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे गुदवाते हैं या लिखवाते हैं, उन्हें फोर्स में मान्य क्यों नहीं करते। इन्हीं सब बातों के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अगर टैटू से रिलेटेड और भी वीडियो आपको देखना पसंद है कि टैटू को कैसे मिटाना है, कहाँ किस बॉडी पार्ट में टैटू को अलाउड किया जाता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उनमें हमने टैटू के बारे में और भी वीडियो बना रखी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने समय में जो डाकुओं का गिरोह होता था, समुद्री लुटेरे होते थे, उनकी पहचान का चिन्ह जो होता था वह टैटू या गुदना के द्वारा दर्शाया जाता था। यही सब बातें ध्यान में रखकर फोर्स में यह नियम लाया गया कि अगर कोई भी गुदना या टैटू है तो उसे अलाउड नहीं करते थे। धीरे धीरे इसे संशोधन करके हाथ पे की फ्रंट, फोरआर्म्स की फ्रंट साइड में, ये कोहनी जहाँ से मुड़ती है यहाँ से लेके यहाँ तक में अलाउड किया गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक में दोनों हाथ के यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक में फोर्स में अलाउड किया गया। क्योंकि आए दिन देखा जाता था कि बहुत से लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखवा लेते थे, जिसके कारण वह फोर्स में नहीं जा पाते थे, और पहले इनको मिटाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इस कारण से फोरआर्म्स के फ्रंट साइड और हथेली की बैक साइड में अलाउड कर दिया गया गुदना को। पहले शुरू में जब यह नियम बना था तब यहाँ भी अलाउड नहीं था फोर्स में। धीरे धीरे समय के साथ यहाँ अलाउड कर दिया गया, बाकी और जगह पर गुदना को अलाउड नहीं किया। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं कि अगर टैटू या गुदना में कोई धर्म का साइन बना है तो उससे धर्म की पहचान हो जाती है, इसलिए शायद फोर्स में नहीं लेते। पर ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि पहले जो था गिरोह था उनकी पहचान हो जाती थी इससे, इस कारण से इसे नियम में लाया गया था फोर्स के लिए। आई होप आपको टैटू के बारे में ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।